कहते हैं इस्लामाबाद में कभी अमावस की रात नहीं होती यहाँ हम जो रहते हैं जब सख्ती संपत्ति सदबुद्धि ये तीनों ही औरतें हैं तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर से कोई अब तुम्हारी बातों में नहीं आएगा बिखर में दो इन हीरो को आखिर संभालने की भी कोई हद होती है के लिए हर दिन एक जैसा होता है मास्टर एक बार बत्ती बुझी तो सब एक उसके आने के बाद उस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया पूरे गांव में आजकल बस एक ही नाम पर ही तो चर्चा है दो इन हीरो को आखिर संभालने की भी कोई हद होती है तुम सब लोग मारे जाओ बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें भव्य सेट शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया फैंस चौक गए क्या आप जानते हैं हीरा मंडी की असली कहानी क्या है आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा आइए जानते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है इस प्रोजेक्ट का आइडिया चौदह साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे इसके बाद उन्होंने सांवरिया गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाईं और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ बन जाएगी पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाज़ार की स्थापना की थी इसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था यह क्षेत्र तोयब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था खासकर पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान मुगल अपने ऐसो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफ़गानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे इसके बाद इस शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा नाइनटीन में रणजीत सिंह नाम के एक बाईस वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया उन्होंने तयफों की संस्कृत और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला एटीन जीरो टू में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी एटीन थर्टी नाइन में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपने तरीके से चलाना शुरू किया अहमद साहब अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र बेस्या व्रत का केंद्र बन गया इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था धीरे धीरे यह एरिया ब्यसा वृत का अड्डा बन गया यह दिन के समय एक बाज़ार की तरह दिखता जिसमें खाने खुस्सा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती लेकिन रात में ब्यस्यालय खुल जाते हैं और बियसा शुरू हो जाती है डाउन डॉट कॉम पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहां का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है संजी लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उषना शाह ने इसका विरोध भी, भी किया इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है जिसमें मनीषा कोयराला सोनाक्षी सिन्हा अदिति राव हैदर रेचा चडा शर्मिन सहगल और संजीदा शेख लीड में हैं भारत की आजादी के पहले की बात है लाहौर में तंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा कानून के लागू होने की तारीख थी एक अप्रैल ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी किराया पाँच रुपये होगा मंगू जवाब देता है दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जम कर लाद घुसे जमा देता है मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया अभी आपने जो पढ़ा वो सादत अहसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में बारहवीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया इसकी वजह यह है दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास चलिए जानते हैं हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आती थी लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था आज ये नाम कुछ कलिक ओढ़ चुका है लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था शायरी संगीत नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की है राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी भारत की तवायफों की कहानी अपने आप में काफी लंबी है लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं एकदम शुरू सुरु से शुरुआत करें तो साल पंद्रह की बात है मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकर से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए पंद्रह तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया क्योंकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया धीरे धीरे इस इलाके में तयफों का आना हुआ इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जे बहलाना नृत्य के इस तरीक़ों को मजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे तौफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे मुगल काल में तवयफों और शाही मोहल्लों की यान बरकरार रही लेकिन 18वीं शताब्दी में शान शौकत उजड़ गई पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया फिर अहमद शाह अब्दाली ने दोनों की मंजिल दिल्ली थी लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था सो वो भी बच ना सका उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई खानदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद साहेदा अर्थात जो खाया पिया वही अपना है बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार बेसले बने पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने बैसालयों में भर्ती कर देते थे इस दौरान तौाइफों का काम लगभग बंद हो गया ध्यान दीजिए तब वैसा होना और तौयाफ होना दो अलग अलग, अलग बातें थीं अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तौाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तौायब से शादी कर ली जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई असल में कोड़े मारे नहीं गए खैर एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी बस इश्क हुआ था महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे हीरा सिंह डोगरा महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की त्वाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों न यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाले त्विफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था लेकिन फिर दो अग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया अंग्रेज माल उगाने आए थे सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते धीरे धीरे शहर में एक बार फिर बेस्याल खुल गए तवाइफे रोजी रोटी की खातिर जिसम फरोसी को मजबूर हो गई थी सो अंग्रेज़ सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था सबसे ज़्यादा तवाइफे यहाँ रहती थी 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला सो अंग्रेजों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वो ताइफों को संरक्षण देने लगे जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा अंतर बस इतना आया कि मजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे बीसवीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था नूर और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी सर गंगाराम जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है उनका घर भी यहीं था उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल 1940 के दशक में यहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी दंगल का नतीजा क्या रहा दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे कोई हार मानने को तैयार नहीं था बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया जीत की यह खुशी हालांकि ज़्यादा दिन कायम ना रही उन्नीस में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत ना रही इसके बावजूद तवाइफों तो का कल्चर कुछ तीन दशकों तक कायम रहा लेकिन फिर उन्नीस में जिया उलह तानसाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया जिया हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तौायफे हीरा मंडी से बेदर हो गई बाद में तोयफ के पैसे की जगह व्रत ने ले ली और कभी लाहौर के शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिसम फरोसी के कारोबार में गुम हो गया जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज की बात है भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बैग ने दिया था भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज़ की पेशकश कर दी जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज़ हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था भंसाली के मुताबिक इस सीरीज़ की कहानी का आइडिया चौदह साल पहले आया था लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया हालांकि अब यह कहानी ओ पर धमाल मचाने के लिए तैयार है संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है इतना ही नहीं कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे ज़ेवरात भी पिका करते थे इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा तो आप गलत हैं सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवायफों को बसेरा दिया था मुगल काल के दौरान अफग़ानिस्तान और उजबेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था मुगल काल में वह संगीत नृत्य तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बस तौब तो खानों को उजाड़ा जाने लगा इसके बाद धीरे धीरे यहाँ बेस्याव्रत पर लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली नाइन्टीज़ की दशक के बाद हीरा मंडी की न्यूज से ईटें दरकती ही चली गई दो में यहाँ तरुन्म सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे हेरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें भव्य सेट शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया फैंस चौक गए क्या आप जानते हैं ही हीरा मंडी की असली कहानी क्या है आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा आइए जानते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शहरुख खान अश्वर्य राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे इसके बाद उन्होंने सांवरिया गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाईं और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाज़ार की स्थापना की थी इसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था यह क्षेत्र तोयब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था ख़ासकर पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के मुग़ल काल के दौरान मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे इसके बाद इस शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा नाइन्टीन में रणजीत सिंह नाम के एक बाईस वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया उन्होंने तौायफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुग़ल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया एक बार फिर शाही मोहल्ले के तौफों को शाही दरबार में मौका मिला एटीन में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तौायब से प्यार हो गया जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी एटीन थर्टी नाइन में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपनी तरीके से चलाना शुरू किया अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र व्यसा व्रत का केंद्र बन गया इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था धीरे धीरे यह एरिया व्यसा व्रत का अड्डा बन गया यह दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता जिसमें खाने खुदा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती लेकिन रात में ब्यस्यालय खुल जाते हैं और बियस्य ब्रश शुरू हो जाती है डाउन डॉट कॉम पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहां का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है संजी लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उषना शाह ने इसका विरोध भी, भी किया इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है जिसमें मनीषा कोईराला सोनाक्षी सिन्हा अदिति राव हैदर रिचा छड्ढा शर्मिन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं भारत की आजादी के पहले की बात है लाहौर में तंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा कानून के लागू होने की तारीख थी एक अप्रैल ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी किराया पाँच रुपये होगा मंगू जवाब देता है दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जम कर लाद घुसे जमा देता है मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया अभी आपने जो पढ़ा वो सादत अहसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में बारहवीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया इसकी वजह यह है दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास चलिए जानते हैं हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आती थी लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था आज ये नाम कुछ कलिक ओढ़ चुका है लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था शायरी संगीत नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ तवायफ है राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी भारत की तवायफों की कहानी अपने आप में काफी लंबी है लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं एकदम शुरू सुरु से शुरुआत करें तो साल पंद्रह की बात है मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए पंद्रह तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे अकबर ने लाहौर किले के, के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया चूँकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया धीरे धीरे इस इलाके में तयफों का आना हुआ इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना नृत्य के इस तरीक़ों को मजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे तौफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे मुगल काल में तवयफों और शाही मोहल्लों की यान बरकरार रही लेकिन 18वीं शताब्दी में शान शौकत उजड़ गई पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया फिर अहमद शाह अब्दाली ने दोनों की मंजिल दिल्ली थी लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था सो वो भी बच ना सका उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई खानदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद साहेदा, अर्थात जो खाया पिया वही अपना है बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार बेसले बने पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वैसालयों में भर्ती कर देते थे इस दौरान तौाइफों का काम लगभग बंद हो गया ध्यान दीजिए तब वैसा होना और तौफ होना दो अलग अलग बातें थीं अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तौाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तौायब से शादी कर ली जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई असल में कोड़े मारे नहीं गए खैर एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी बस इश्क हुआ था महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे हीरा सिंह डोगरा महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाज़ार की शुरुआत की त्वाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों न यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाले त्विफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था लेकिन फिर दो अग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया अंग्रेज माल उगाने आए थे सो वो काहे को तवायफों को भत्ता देते धीरे धीरे शहर में एक बार फिर बेस्यालय खुल गए तवयफे रोजी रोटी की खातिर जिसम फरोसी को मजबूर हो गई थी सो अंग्रेज़ सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था सबसे ज़्यादा तवयफें यहाँ रहती थी 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला सो अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा अंतर बस इतना आया कि मजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे बीसवीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था नूर और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी सर गंगाराम जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है उनका घर भी यहीं था उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल 1940 के दशक में यहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी दंगल का नतीजा क्या रहा दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे कोई हार मानने को तैयार नहीं था बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया जीत की यह खुशी हालांकि ज्यादा दिन कायम ना रही उन्नीस में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत ना रही इसके बावजूद तौफों का कल्चर कुछ तीन दशकों तक कायम रहा लेकिन फिर उन्नीस में जिया उलहक तानशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया जिया हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तौायफे हीरा मंडी से बेदर हो गई बाद में तोयफ के पैसे की जगह व्रत ने ले ली और कभी लाहौर के शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिसम फरोसी के कारोबार में गुम हो गया जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज़ की बात है भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बैग ने दिया था भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को यह कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज़ की पेशकश कर दी जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज़ हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था भंसाली के मुताबिक इस सीरीज़ की कहानी का आइडिया चौदह साल पहले आया था लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया हालांकि अब यह कहानी ओ पर धमाल मचाने के लिए तैयार है संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है हेरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है इतना ही नहीं कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे ज़ेवरात भी बिका करते थे इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा तो आप गलत हैं सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवयफों को बसेरा दिया था मुगल काल के दौरान अफग़ानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था मुगल काल में वह संगीत नृत्य तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे बस तौब तो खानों को उजाड़ा जाने लगा इसके बाद धीरे धीरे यहाँ बेस्याव्रत पर लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली नाइन्टीज़ की दशक के बाद हीरा मंडी की न्यूज़ से ईंटें दरकती ही चली गई दो में यहाँ तरन्नुम सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे। हेरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें भव्य सेट शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया फैंस चौक गए क्या आप जानते हैं हीरा मंडी की असली कहानी क्या है आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा आइए जानते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है इस प्रोजेक्ट का आइडिया चौदह साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे इसके बाद उन्होंने सांवरिया गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाईं और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ बन जाएगी पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाज़ार की स्थापना की थी इसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था यह क्षेत्र तोयब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था खासकर पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान मुगल अपने ऐसो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफ़गानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे इसके बाद इस शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा नाइनटीन में रणजीत सिंह नाम के एक बाईस वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया उन्होंने तयफों की संस्कृत और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला 1802 में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपने तरीके से चलाना शुरू किया अहमद साहब अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र बेसा व्रत का केंद्र बन गया इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था धीरे धीरे यह एरिया बियसा व्रत का अड्डा बन गया यह दिन के समय एक बाज़ार की तरह दिखता जिसमें खाने खुदसा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती लेकिन रात में बेस्यालय खुल जाते हैं और बियसा व्रत शुरू हो जाती है डाउन डॉट कॉम पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहां का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है संजी लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उषना शाह ने इसका विरोध भी, भी किया इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है जिसमें मनीषा कोहराला सोनाक्षी सिन्हा अदिति राव हैदर रिचा छड्ढा शर्मिन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं भारत की आजादी के पहले की बात है लाहौर में तंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा कानून के लागू होने की तारीख थी एक अप्रैल ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी किराया पाँच रुपये होगा मंगू जवाब देता है दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जम कर लाद घुसे जमा देता है मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक़ था लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया अभी आपने जो पढ़ा वो सादत अहसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में बारहवीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया इसकी वजह यह है दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास चलिए जानते हैं हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आती थी लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था आज ये नाम कुछ कलिक ओढ़ चुका है लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था शायरी संगीत नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की है राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी भारत की तौफों की कहानी अपने आप में काफी लंबी है लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं एकदम शुरू सुरु से शुरुआत करें तो साल पंद्रह की बात है मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकर से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए पंद्रह तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया क्योंकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया धीरे धीरे इस इलाके में तयफों का आना हुआ इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना नृत्य के इस तरीक़ों को मजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे तौफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे मुगल काल में तवयफों और शाही मोहल्लों की यान बरकरार रही लेकिन 18वीं शताब्दी में शान शौकत उजड़ गई पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया फिर अहमद शाह अब्दाली ने दोनों की मंजिल दिल्ली थी लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था सो वो भी बच ना सका उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई खानदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद शाहदा अर्थात जो खाया पिया वही अपना है बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार बेसले बने पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वैसालयों में भर्ती कर देते थे इस दौरान तौाइफों का काम लगभग बंद हो गया ध्यान दीजिए तब वैसा होना और तौयाफ होना दो अलग अलग, अलग बातें थीं अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तौाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तौायब से शादी कर ली जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई असल में कोड़े मारे नहीं गए खैर एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी बस इश्क हुआ था महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे हीरा सिंह डोगरा महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की त्वाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों न यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाले त्विफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था लेकिन फिर दो अग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया अंग्रेज माल उगाने आए थे सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते धीरे धीरे शहर में एक बार फिर बेस्यालय खुल गए तवाइफे रोजी रोटी की खातिर जिसम फरोसी को मजबूर हो गई थी सो अंग्रेज़ सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था सबसे ज़्यादा तवाइफे यहाँ रहती थी 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला सो अंग्रेजों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा अंतर बस इतना आया कि मजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे बीसवीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था नूर और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी सर गंगाराम जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है उनका घर भी यही था उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी दंगल का नतीजा क्या रहा दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे कोई हार मानने को तैयार नहीं था बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया जीत की यह खुशी हालांकि ज्यादा दिन कायम ना रही 1947 में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत ना रही इसके बावजूद तवयफों का कल्चर कुछ तीन दशकों तक कायम रहा लेकिन फिर उन्नीस में जिया हक तानशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया जिया हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तौायफे हीरा मंडी से बेदर हो गई बाद में तोआब के पैसे की जगह बेसब व्रत ने ले ली और कभी लाहौर के शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिसम फरोसी के कारोबार में गुम हो गया जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज की बात है भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बैग ने दिया था भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज की पेशकश कर दी जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था भंसाली के मुताबिक इस सीरीज की कहानी का आइडिया चौदह साल पहले आया था लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया हालांकि अब यह कहानी ओ पर धमाल मचाने के लिए तैयार है संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है इतना ही नहीं कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे ज़ेवरात भी बिका करते थे इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा तो आप गलत हैं सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवयफों को बसेरा दिया था मुगल काल के दौरान अफग़ानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था मुगल काल में वह संगीत नृत्य तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे बस तौब तो खानों को उजाड़ा जाने लगा इसके बाद धीरे धीरे यहाँ बेसव्रत पर लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली नाइन्टीज़ की दशक के बाद हीरा मंडी की न्यूज़ से ईटें दरकती ही चली गई दो में यहाँ तरुनम सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे हरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें भव्य सेट शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया फैंस चौंक गए क्या आप जानते हैं ही हीरा मंडी की असली कहानी क्या है आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा आइए जानते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है इस प्रोजेक्ट का आइडिया चौदह साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे इसके बाद उन्होंने सांवरिया गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाईं और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ बन जाएगी पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाज़ार की स्थापना की थी इसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था यह क्षेत्र तोयब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था ख़ासकर पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान मुगल अपने ऐसो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफ़गानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे इसके बाद इस शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा नाइनटीन में रणजीत सिंह नाम के एक बाईस वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया उन्होंने तयफों की संस्कृत और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला एटीन जीरो टू में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी एटीन थर्टी नाइन में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपनी तरीके से चलाना शुरू किया अहमद साहब अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र बेसा व्रत का केंद्र बन गया इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था धीरे धीरे यह एरिया बियसा व्रत का अड्डा बन गया यह दिन के समय एक बाज़ार की तरह दिखता जिसमें खाने खुदसा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती लेकिन रात में बेस्यालय खुल जाते हैं और बियसा व्रत शुरू हो जाती है डाउन डॉट कॉम पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहां का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है संजी लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उषना शाह ने इसका विरोध भी, भी किया इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है जिसमें मनीषा कोहराला सोनाक्षी सिन्हा अदिति राव हैदर रिचा छड्ढा शर्मिन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं भारत की आजादी के पहले की बात है लाहौर में तंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा कानून के लागू होने की तारीख थी एक अप्रैल ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी किराया पाँच रुपये होगा मंगू जवाब देता है दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जम कर लाद घुसे जमा देता है मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक़ था लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया अभी आपने जो पढ़ा वो सादत अहसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में बारहवीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया इसकी वजह यह है दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास चलिए जानते हैं हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आ जाती थी लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था आज ये नाम कुछ कलिक ओढ़ चुका है लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था शायरी संगीत नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की है राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी भारत की तौफों की कहानी अपने आप में काफी लंबी है लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं एकदम शुरू सुरु से शुरुआत करें तो साल पंद्रह की बात है मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकर से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए पंद्रह तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे अकबर ने लाहौर किले के, के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया क्योंकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया धीरे धीरे इस इलाके में तयफों का आना हुआ इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना नृत्य के इस तरीक़ों को मजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे तौफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे मुगल काल में तवयफों और शाही मोहल्लों की यान बरकरार रही लेकिन 18वीं शताब्दी में शान शौकत उजड़ गई पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया फिर अहमद शाह अब्दाली ने दोनों की मंजिल दिल्ली थी लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था सो वो भी बच ना सका उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई खानदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद शाहदा अर्थात जो खाया पिया वही अपना है बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार बेसले बने पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वैसालयों में भर्ती कर देते थे इस दौरान तौाइफों का काम लगभग बंद हो गया ध्यान दीजिए तब वैसा होना और तौफ होना दो अलग अलग बातें थीं अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तौाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तौायब से शादी कर ली जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई असल में कोड़े मारे नहीं गए खैर एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी बस इश्क हुआ था महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे हीरा सिंह डोगरा महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की त्वाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों न यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाले त्विफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था लेकिन फिर दो अग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया अंग्रेज माल उगाने आए थे सो वो काहे को तवायफों को भत्ता देते धीरे धीरे शहर में एक बार फिर बेस्यालय खुल गए तवयफे रोजी रोटी की खातिर जिसम फरोसी को मजबूर हो गई थी सो अंग्रेज़ सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था सबसे ज़्यादा तवयफें यहाँ रहती थी 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला सो अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा अंतर बस इतना आया कि मजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे बीसवीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था नूर और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी सर गंगाराम जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है उनका घर भी यहीं था उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल 1940 के दशक में यहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी दंगल का नतीजा क्या रहा दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे कोई हार मानने को तैयार नहीं था बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया जीत की यह खुशी हालांकि ज्यादा दिन कायम ना रही उन्नीस में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी सोहीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत ना रही इसके बावजूद तौफों का कल्चर कुछ तीन दशकों तक कायम रहा लेकिन फिर उन्नीस में जिया उलहक तानसाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया जिया हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तौायफे हीरा मंडी से बेदर हो गई बाद में तोयफ के पैसे की जगह व्रत ने ले ली और कभी लाहौर के शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिसम फरोसी के कारोबार में गुम हो गया जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज़ की बात है भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बैग ने दिया था भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को यह कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज़ की पेशकश कर दी जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज़ हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था भंसाली के मुताबिक इस सीरीज़ की कहानी का आइडिया चौदह साल पहले आया था लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया हालांकि अब यह कहानी ओ पर धमाल मचाने के लिए तैयार है संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है इतना ही नहीं कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे ज़ेवरात भी बिका करते थे इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा तो आप गलत हैं सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवयफों को बसेरा दिया था मुगल काल के दौरान अफग़ानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था मुगल काल में वह संगीत नृत्य तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे बस तौयब तो खानों को उजाड़ा जाने लगा इसके बाद धीरे धीरे यहाँ बेस्याव्रत पर लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली नाइन्टीज़ की दशक के बाद हीरा मंडी की न्यूज़ से ईंटें दरकती ही चली गई दो में यहाँ तरन्नुम सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे हेरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें भव्य सेट शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया फैंस चौक गए क्या आप जानते हैं ही हीरा मंडी की असली कहानी क्या है आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा आइए जानते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे इसके बाद उन्होंने सांवरिया गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाईं और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाजार की स्थापना की थी इसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था यह क्षेत्र तोयब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था खासकर पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान मुगल अपने ऐसो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफ़गानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे इसके बाद इस शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा नाइनटीन में रणजीत सिंह नाम के एक बाईस वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया उन्होंने तयफों की संस्कृत और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला एटीन जीरो टू में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी एटीन थर्टी नाइन में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपने तरीके से चलाना शुरू किया अहमद साहब अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र बेसा व्रत का केंद्र बन गया इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था धीरे धीरे यह एरिया ब्यसा वृत का अड्डा बन गया यह दिन के समय एक बाज़ार की तरह दिखता जिसमें खाने खुस्सा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती लेकिन रात में ब्यस्यालय खुल जाते हैं और बियसा शुरू हो जाती है डाउन डॉट कॉम पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहां का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है संजी लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उषना शाह ने इसका विरोध भी, भी किया इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है जिसमें मनीषा कोहराला सोनाक्षी सिन्हा अदिति राव हैदर रिचा छड्ढा शर्मिन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं भारत की आजादी के पहले की बात है लाहौर में तंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा कानून के लागू होने की तारीख थी एक अप्रैल ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी किराया पाँच रुपये होगा मंगू जवाब देता है दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जम कर लाद घुसे जमा देता है मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया अभी आपने जो पढ़ा वो सादत अहसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में बारहवीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया इसकी वजह यह है दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास चलिए जानते हैं हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आती थी लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था आज ये नाम कुछ कलिख ओढ़ चुका है लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था शायरी संगीत नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की है राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी भारत की तौफों की कहानी अपने आप में काफी लंबी है लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं एकदम शुरू सुरु से शुरुआत करें तो साल पंद्रह की बात है मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकर से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए पंद्रह तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे अकबर ने लाहौर किले के, के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया क्योंकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया धीरे धीरे इस इलाके में तयफों का आना हुआ इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना नृत्य के इस तरीक़ों को मजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे तौफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे मुगल काल में तवयफों और शाही मोहल्लों की यान बरकरार रही लेकिन 18वीं शताब्दी में शान शौकत उजड़ गई पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया फिर अहमद शाह अब्दाली ने दोनों की मंजिल दिल्ली थी लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था सो वो भी बच ना सका उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई खानदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद साहेदा, अर्थात जो खाया पिया वही अपना है बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार बेसले बने पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वैसालयों में भर्ती कर देते थे इस दौरान तोआईफों का काम लगभग बंद हो गया ध्यान दीजिए तब वैसा होना और तौयाफ होना दो अलग अलग बातें थीं अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तौाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तौायब से शादी कर ली जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई असल में कोड़े मारे नहीं गए खैर एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी बस इश्क हुआ था महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे हीरा सिंह डोगरा महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की त्वाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों न यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाले त्विफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था लेकिन फिर दो अग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया अंग्रेज माल उगाने आए थे सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते धीरे धीरे शहर में एक बार फिर बेस्यालय खुल गए तवाइफे रोजी रोटी की खातिर जिसम फरोसी को मजबूर हो गई थी सो अंग्रेज़ सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था सबसे ज़्यादा तवाइफे यहाँ रहती थी 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला सो अंग्रेजों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा अंतर बस इतना आया कि मजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे बीसवीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था नूर और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी सर गंगाराम जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है उनका घर भी यहीं था उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल 1940 के दशक में यहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी दंगल का नतीजा क्या रहा दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे कोई हार मानने को तैयार नहीं था बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया जीत की यह खुशी हालांकि ज्यादा दिन कायम ना रही उन्नीस में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत ना रही इसके बावजूद तवाइफों तो का कल्चर कुछ तीन दशकों तक कायम रहा लेकिन फिर उन्नीस में जिया उलहक तानशाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया जिया हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तौायफे हीरा मंडी से बेदर हो गई बाद में तोयफ के पैसे की जगह व्रत ने ले ली और कभी लाहौर के शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिसम फरोसी के कारोबार में गुम हो गया जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज की बात है भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बैग ने दिया था भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज़ की पेशकश कर दी जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज़ हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था भंसाली के मुताबिक इस सीरीज़ की कहानी का आइडिया चौदह साल पहले आया था लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया हालांकि अब यह कहानी ओ पर धमाल मचाने के लिए तैयार है संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है इतना ही नहीं कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे ज़ेवरात भी पिका करते थे इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा तो आप गलत हैं सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवाइफों को बसेरा दिया था मुगल काल के दौरान अफग़ानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था मुगल काल में वह संगीत नृत्य तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे बस तौयब तो खानों को उजाड़ा जाने लगा इसके बाद धीरे धीरे यहाँ बेस्याव्रत पर लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली नाइन्टीज़ की दशक के बाद हीरा मंडी की न्यूज़ से ईंटें दरकती ही चली गई दो में यहाँ तरुन्म सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे हेरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें भव्य सेट शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया फैंस चौक गए क्या आप जानते हैं ही हीरा मंडी की असली कहानी क्या है आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा आइए जानते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान अश्वर्य राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे इसके बाद उन्होंने सांवरिया गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाईं और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाज़ार की स्थापना की थी इसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था यह क्षेत्र तोयब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था ख़ासकर पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के मुग़ल काल के दौरान मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे इसके बाद शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा नाइन्टीन में रणजीत सिंह नाम के एक बाईस वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया उन्होंने तौायफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुग़ल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया एक बार फिर शाही मोहल्ले के तौफों को शाही दरबार में मौका मिला एटीन में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तौायब से प्यार हो गया जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह ढोकरा ने साहि मोहल्ले को अपने तरीके से चलाना शुरू किया अहमद साहब दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र बेसाब्रत का केंद्र बन गया इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था धीरे-धीरे यह एरिया बेसाब्रत का अड्डा बन गया यह दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता जिसमें खाने खुसा और संगीत से जुड़ी चीजें मिलती लेकिन रात में बियस्याल खुल जाते हैं और बियस्य ब्रश शुरू हो जाती है डाउन डॉट कॉम पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहां का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है संजी लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उषना शाह ने इसका विरोध भी, भी किया इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है जिसमें मनीषा कोईराला सोनाक्षी सिन्हा अदिति राव हैदर रिचा छड्ढा शर्मिन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं भारत की आजादी के पहले की बात है लाहौर में तंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा कानून के लागू होने की तारीख थी एक अप्रैल ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी किराया पाँच रुपये होगा मंगू जवाब देता है दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जम कर लाद घुसे जमा देता है मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया अभी आपने जो पढ़ा वो सादत अहसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में बारहवीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया इसकी वजह यह है दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास चलिए जानते हैं हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आती थी लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था आज ये नाम कुछ कलिक ओढ़ चुका है लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था शायरी संगीत नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की है राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी भारत की तौफों की कहानी अपने आप में काफी लंबी है लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं एकदम शुरू सुरु से शुरुआत करें तो साल पंद्रह की बात है मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकर से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए पंद्रह तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे अकबर ने लाहौर किले के, के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया क्योंकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया धीरे धीरे इस इलाके में तयफों का आना हुआ इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना नृत्य के इस तरीक़ों को मजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे तौफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे मुगल काल में तवयफों और शाही मोहल्लों की यान बरकरार रही लेकिन 18वीं शताब्दी में शान शौकत उजड़ गई पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया फिर अहमद शाह अब्दाली ने दोनों की मंजिल दिल्ली थी लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था सो वो भी बच ना सका उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई खानदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद शाहदा अर्थात जो खाया पिया वही अपना है बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार बेसले बने पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने बैसालयों में भर्ती कर देते थे इस दौरान तौाइफों का काम लगभग बंद हो गया ध्यान दीजिए तब वैसा होना और तौयाफ होना दो अलग अलग, अलग बातें थीं अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तौाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तौायब से शादी कर ली जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई असल में कोड़े मारे नहीं गए खैर एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी बस इश्क हुआ था महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे हीरा सिंह डोगरा महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की त्वाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों न यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाले त्विफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था लेकिन फिर दो अग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया अंग्रेज माल उगाने आए थे सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते धीरे धीरे शहर में एक बार फिर बेस्यालय खुल गए तवाइफे रोजी रोटी की खातिर जिसम फरोसी को मजबूर हो गई थी सो अंग्रेज़ सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था सबसे ज़्यादा तवाइफे यहाँ रहती थी 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला सो अंग्रेजों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा अंतर बस इतना आया कि मजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे बीसवीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था नूर और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी सर गंगाराम जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है उनका घर भी यहीं था उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल 1940 के दशक में यहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी दंगल का नतीजा क्या रहा दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे कोई हार मानने को तैयार नहीं था बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया जीत की यह खुशी हालांकि ज्यादा दिन कायम ना रही उन्नीस में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत ना रही इसके बावजूद तौफों का कल्चर कुछ तीन दशकों तक कायम रहा लेकिन फिर उन्नीस में जिया उलह तानसाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया जिया हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तौायफे हीरा मंडी से बेदर हो गई बाद में तोयफ के पैसे की जगह व्रत ने ले ली और कभी लाहौर के शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिसम फरोसी के कारोबार में गुम हो गया जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज़ की बात है भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बैग ने दिया था भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को यह कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज़ की पेशकश कर दी जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज़ हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था भंसाली के मुताबिक इस सीरीज़ की कहानी का आइडिया चौदह साल पहले आया था लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया हालांकि अब यह कहानी ओ पर धमाल मचाने के लिए तैयार है संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है इतना ही नहीं कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे ज़ेवरात भी बिका करते थे इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा तो आप गलत हैं सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवयफों को बसेरा दिया था मुगल काल के दौरान अफग़ानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था मुगल काल में वह संगीत नृत्य तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे बस तौब तो खानों को उजाड़ा जाने लगा इसके बाद धीरे धीरे यहाँ बेस्याव्रत पर लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली नाइन्टीज़ की दशक के बाद हीरा मंडी की न्यूज से ईटें दरकती ही चली गई दो में यहाँ तरुनम सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे हरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें भव्य सेट शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया फैंस चौंक गए क्या आप जानते हैं हीरा मंडी की असली कहानी क्या है आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा आइए जानते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है इस प्रोजेक्ट का आइडिया चौदह साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे इसके बाद उन्होंने सांवरिया गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाईं और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ बन जाएगी पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाज़ार की स्थापना की थी इसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था यह क्षेत्र तोयब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था खासकर पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान मुगल अपने ऐसो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफ़गानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे इसके बाद एक इस शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा नाइनटीन में रणजीत सिंह नाम के एक बाईस वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया उन्होंने तयफों की संस्कृत और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला एटीन जीरो टू में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी एटीन थर्टी नाइन में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपने तरीके से चलाना शुरू किया अहमद साहब अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र बेसा व्रत का केंद्र बन गया इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था धीरे धीरे यह एरिया बियसा व्रत का अड्डा बन गया यह दिन के समय एक बाज़ार की तरह दिखता जिसमें खाने खुदसा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती लेकिन रात में बेस्यालय खुल जाते हैं और बियसा व्रत शुरू हो जाती है डाउन डॉट कॉम पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहां का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है संजी लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उषना शाह ने इसका विरोध भी, भी किया इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है जिसमें मनीषा कोहराला सोनाक्षी सिन्हा अदिति राव हैदर रिचा छड्ढा शर्मिन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं भारत की आजादी के पहले की बात है लाहौर में तंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा कानून के लागू होने की तारीख थी एक अप्रैल ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी किराया पाँच रुपये होगा मंगू जवाब देता है दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जम कर लाद घुसे जमा देता है मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया अभी आपने जो पढ़ा वो सादत अहसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में बारहवीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया इसकी वजह यह है दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास चलिए जानते हैं हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आती थी लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था आज ये नाम कुछ कलिक ओढ़ चुका है लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था शायरी संगीत नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की है राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी भारत की तवायफों की कहानी अपने आप में काफी लंबी है लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं एकदम शुरू सुरु से शुरुआत करें तो साल पंद्रह की बात है मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकर से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए पंद्रह तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे अकबर ने लाहौर किले के, के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया क्योंकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया धीरे धीरे इस इलाके में तयफों का आना हुआ इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना नृत्य के इस तरीक़ों को मजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे तौफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे मुगल काल में तवयफों और शाही मोहल्लों की यान बरकरार रही लेकिन 18वीं शताब्दी में शान शौकत उजड़ गई पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया फिर अहमद शाह अब्दाली ने दोनों की मंजिल दिल्ली थी लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था सो वो भी बच ना सका उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई खानदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद साहेदा, अर्थात जो खाया पिया वही अपना है बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार बेसले बने पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वैसालयों में भर्ती कर देते थे इस दौरान तौाइफों का काम लगभग बंद हो गया ध्यान दीजिए तब वैसा होना और तौफ होना दो अलग अलग बातें थीं अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तौाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तौायब से शादी कर ली जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई असल में कोड़े मारे नहीं गए खैर एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी बस इश्क हुआ था महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे हीरा सिंह डोगरा महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की त्वाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों न यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाले त्विफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था लेकिन फिर दो अग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया अंग्रेज माल उगाने आए थे सो वो काहे को तवायफों को भत्ता देते धीरे धीरे शहर में एक बार फिर बेस्याल खुल गए तवयफे रोजी रोटी की खातिर जिसम फरोसी को मजबूर हो गई थी सो अंग्रेज़ सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था सबसे ज़्यादा तवयफें यहाँ रहती थी 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला सो अंग्रेजों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा अंतर बस इतना आया कि मजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे बीसवीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था नूर और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी सर गंगाराम जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है उनका घर भी यहीं था उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल 1940 के दशक में यहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी दंगल का नतीजा क्या रहा दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे कोई हार मानने को तैयार नहीं था बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया जीत की यह खुशी हालांकि ज़्यादा दिन कायम ना रही उन्नीस में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत ना रही इसके बावजूद तवाइफों तो का कल्चर कुछ तीन दशकों तक कायम रहा लेकिन फिर उन्नीस में जिया उलह तानसाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया जिया हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तौायफे हीरा मंडी से बेदर हो गई बाद में तोयफ के पैसे की जगह व्रत ने ले ली और कभी लाहौर के शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिसम फरोसी के कारोबार में गुम हो गया जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज की बात है भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बैग ने दिया था भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज़ की पेशकश कर दी जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज़ हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था भंसाली के मुताबिक इस सीरीज़ की कहानी का आइडिया चौदह साल पहले आया था लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया हालांकि अब यह कहानी ओ पर धमाल मचाने के लिए तैयार है संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है इतना ही नहीं कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे ज़ेवरात भी पिका करते थे इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा तो आप गलत हैं सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवायफों को बसेरा दिया था मुगल काल के दौरान अफग़ानिस्तान और उजबेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था मुगल काल में वह संगीत नृत्य तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बस तौब तो खानों को उजाड़ा जाने लगा इसके बाद धीरे धीरे यहाँ बेस्याव्रत पर लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली नाइन्टीज़ की दशक के बाद हीरा मंडी की न्यूज से ईटें दरकती ही चली गई 2010 में यहाँ तरुन्म सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे हेरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें भव्य सेट शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया फैंस चौक गए क्या आप जानते हैं ही हीरा मंडी की असली कहानी क्या है आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा आइए जानते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान अश्वर्य राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे इसके बाद उन्होंने सांवरिया गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाईं और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाज़ार की स्थापना की थी इसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था यह क्षेत्र तोयब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था ख़ासकर पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के मुग़ल काल के दौरान मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे इसके बाद इस शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा नाइन्टीन में रणजीत सिंह नाम के एक बाईस वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया उन्होंने तौायफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुग़ल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया एक बार फिर शाही मोहल्ले के तौफों को शाही दरबार में मौका मिला एटीन में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तौायब से प्यार हो गया जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी 1839 थर्टी नाइन में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपनी तरीके से चलाना शुरू किया अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र बेसा व्रत का केंद्र बन गया इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था धीरे धीरे यह एरिया बेसा व्रत का अड्डा बन गया यह दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता जिसमें खाने खुदा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती लेकिन रात में ब्यस्यालय खुल जाते हैं और बियस्य ब्रश शुरू हो जाती है डाउन डॉट कॉम पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहां का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है संजी लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उषना शाह ने इसका विरोध भी, भी किया इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है जिसमें मनीषा कोहराला सोनाक्षी सिन्हा अदिति राव हैदर रिचा छड्ढा शर्मिन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं भारत की आजादी के पहले की बात है लाहौर में तंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा कानून के लागू होने की तारीख थी एक अप्रैल ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी किराया पाँच रुपये होगा मंगू जवाब देता है दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जम कर लाद घुसे जमा देता है मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक़ था लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया अभी आपने जो पढ़ा वो सादत अहसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में बारहवीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया इसकी वजह यह है दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास चलिए जानते हैं हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आती थी लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था आज ये नाम कुछ कलिक ओढ़ चुका है लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था शायरी संगीत नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ तवायफ है राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी भारत की तवायफों की कहानी अपने आप में काफी लंबी है लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं एकदम शुरू सुरु से शुरुआत करें तो साल पंद्रह की बात है मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकर से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए पंद्रह तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे अकबर ने लाहौर किले के, के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया क्योंकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया धीरे धीरे इस इलाके में तयफों का आना हुआ इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना नृत्य के इस तरीक़ों को मजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे तौफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे मुगल काल में तवयफों और शाही मोहल्लों की यान बरकरार रही लेकिन 18वीं शताब्दी में शान शौकत उजड़ गई पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया फिर अहमद शाह अब्दाली ने दोनों की मंजिल दिल्ली थी लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था सो वो भी बच ना सका उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई खानदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद साहेदा, अर्थात जो खाया पिया वही अपना है बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार बेसले बने पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने बैसालयों में भर्ती कर देते थे इस दौरान तौाइफों का काम लगभग बंद हो गया ध्यान दीजिए तब वैसा होना और तौफ होना दो अलग अलग बातें थीं अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तौाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तौायब से शादी कर ली जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई असल में कोड़े मारे नहीं गए खैर एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी बस इश्क हुआ था महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे हीरा सिंह डोगरा महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाज़ार की शुरुआत की त्वाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों न यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाले तवईफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था लेकिन फिर दो एग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया अंग्रेज माल उगाने आए थे सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते धीरे धीरे शहर में एक बार फिर बेस्यालय खुल गए तवाइफे रोजी रोटी की खातिर जिसम फरोसी को मजबूर हो गई थी सो अंग्रेज़ सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था सबसे ज़्यादा तवाइफे यहाँ रहती थी 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला सो अंग्रेजों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा अंतर बस इतना आया कि मजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे बीसवीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था नूर और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी सर गंगाराम जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है उनका घर भी यहीं था उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल 1940 के दशक में यहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी दंगल का नतीजा क्या रहा दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे कोई हार मानने को तैयार नहीं था बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया जीत की यह खुशी हालांकि ज्यादा दिन कायम ना रही उन्नीस में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत ना रही इसके बावजूद तौफों का कल्चर कुछ तीन दशकों तक कायम रहा लेकिन फिर उन्नीस में जिया उलहक तानसाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया जिया हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तौायफे हीरा मंडी से बेदर हो गई बाद में तोयफ के पैसे की जगह व्रत ने ले ली और कभी लाहौर के शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिसम फरोसी के कारोबार में गुम हो गया जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज़ की बात है भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बैग ने दिया था भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज़ की पेशकश कर दी जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज़ हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था भंसाली के मुताबिक इस सीरीज़ की कहानी का आइडिया चौदह साल पहले आया था लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया हालांकि अब यह कहानी ओ पर धमाल मचाने के लिए तैयार है संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है हेरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है इतना ही नहीं कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे ज़ेवरात भी पिका करते थे इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा तो आप गलत हैं सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवयफों को बसेरा दिया था मुगल काल के दौरान अफग़ानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था मुगल काल में वह संगीत नृत्य तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे बस तौयब तो खानों को उजाड़ा जाने लगा इसके बाद धीरे धीरे यहाँ बेस्याव्रत पर लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली नाइन्टीज़ की दशक के बाद हीरा मंडी की न्यूज़ से ईटे दरक्ति ही चली गई दो में यहाँ तरुन्म सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे हेरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें भव्य सेट शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया फैंस चौक गए क्या आप जानते हैं ही हीरा मंडी की असली कहानी क्या है आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा आइए जानते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान अश्वर्य राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे इसके बाद उन्होंने सांवरिया गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाईं और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाजार की स्थापना की थी इसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था यह क्षेत्र तोयब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था खासकर पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान मुगल अपने ऐसो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफ़गानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे इसके बाद इस शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा नाइनटीन में रणजीत सिंह नाम के एक बाईस वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया उन्होंने तयफों की संस्कृत और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला 1802 में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपने तरीके से चलाना शुरू किया अहमद साहब अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र बेसा व्रत का केंद्र बन गया इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था धीरे धीरे यह एरिया बियसा व्रत का अड्डा बन गया यह दिन के समय एक बाज़ार की तरह दिखता जिसमें खाने खुदसा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती लेकिन रात में बेस्यालय खुल जाते हैं और बियसा व्रत शुरू हो जाती है डाउन डॉट कॉम पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहां का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है संजी लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उषना शाह ने इसका विरोध भी, भी किया इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है जिसमें मनीषा कोयराला सोनाक्षी सिन्हा अदिति राव हैदर रिचा छड्ढा शर्मिन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं भारत की आजादी के पहले की बात है लाहौर में तंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा कानून के लागू होने की तारीख थी एक अप्रैल ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी किराया पाँच रुपये होगा मंगू जवाब देता है दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जम कर लाद घुसे जमा देता है मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया अभी आपने जो पढ़ा वो सादत अहसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में बारहवीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया इसकी वजह यह है दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास चलिए जानते हैं हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आती थी लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था आज ये नाम कुछ कलिक ओढ़ चुका है लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था शायरी संगीत नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की है राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी भारत की तौफों की कहानी अपने आप में काफी लंबी है लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं एकदम शुरू सुरु से शुरुआत करें तो साल पंद्रह की बात है मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकर से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए पंद्रह तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया क्योंकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया धीरे धीरे इस इलाके में तयफों का आना हुआ इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना नृत्य के इस तरीक़ों को मजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे तौफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे मुगल काल में तवयफों और शाही मोहल्लों की यान बरकरार रही लेकिन 18वीं शताब्दी में शान शौकत उजड़ गई पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया फिर अहमद शाह अब्दाली ने दोनों की मंजिल दिल्ली थी लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था सो वो भी बच ना सका उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई खानदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद शाहदा अर्थात जो खाया पिया वही अपना है बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार बेसले बने पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वैसालयों में भर्ती कर देते थे इस दौरान तौाइफों का काम लगभग बंद हो गया ध्यान दीजिए तब वैसा होना और तौयाफ होना दो अलग अलग बातें थीं अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तौाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तौायब से शादी कर ली जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई असल में कोड़े मारे नहीं गए खैर एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी बस इश्क हुआ था महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे हीरा सिंह डोगरा महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की त्वाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों न यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाले त्विफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था लेकिन फिर दो अग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया अंग्रेज माल उगाने आए थे सो वो काहे को तवाइफों को भत्ता देते धीरे धीरे शहर में एक बार फिर बेस्यालय खुल गए तवाइफे रोजी रोटी की खातिर जिसम फरोसी को मजबूर हो गई थी सो अंग्रेज़ सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था सबसे ज़्यादा तवाइफे यहाँ रहती थी 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला सो अंग्रेजों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा अंतर बस इतना आया कि मजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे बीसवीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था नूर और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी सर गंगाराम जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है उनका घर भी यहीं था उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल 1940 के दशक में यहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी दंगल का नतीजा क्या रहा दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे कोई हार मानने को तैयार नहीं था बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया जीत की यह खुशी हालांकि ज्यादा दिन कायम ना रही उन्नीस में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत ना रही इसके बावजूद तवाइफों तो का कल्चर कुछ तीन दशकों तक कायम रहा लेकिन फिर उन्नीस में जिया उलहक तानसाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया जिया हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तौायफे हीरा मंडी से बेदर हो गई बाद में तोयफ के पैसे की जगह व्रत ने ले ली और कभी लाहौर के शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिसम फरोसी के कारोबार में गुम हो गया जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज़ की बात है भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बैग ने दिया था भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज़ की पेशकश कर दी जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज़ हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था भंसाली के मुताबिक इस सीरीज़ की कहानी का आइडिया चौदह साल पहले आया था लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया हालांकि अब यह कहानी ओ पर धमाल मचाने के लिए तैयार है संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है इतना ही नहीं कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे ज़ेवरात भी बिका करते थे इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा तो आप गलत हैं सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवयफों को बसेरा दिया था मुगल काल के दौरान अफग़ानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था मुगल काल में वह संगीत नृत्य तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे बस तौयब तो खानों को उजाड़ा जाने लगा इसके बाद धीरे धीरे यहाँ बेस्याव्रत पर लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली नाइन्टीज़ की दशक के बाद हीरा मंडी की न्यूज़ से ईटें दरकती ही चली गई दो में यहाँ तरुन्म सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे हेरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें भव्य सेट शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया फैंस चौक गए क्या आप जानते हैं ही हीरा मंडी की असली कहानी क्या है आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा आइए जानते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान अश्वर्य राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे इसके बाद उन्होंने सांवरिया गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाईं और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाज़ार की स्थापना की थी इसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था यह क्षेत्र तोयब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था ख़ासकर पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के मुग़ल काल के दौरान मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे इसके बाद इस शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा नाइन्टीन में रणजीत सिंह नाम के एक बाईस वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया उन्होंने तौायफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुग़ल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया एक बार फिर शाही मोहल्ले के तौफों को शाही दरबार में मौका मिला एटीन में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तौायब से प्यार हो गया जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह ढोकरा ने साहि मोहल्ले को अपने तरीके से चलाना शुरू किया अहमद साहब दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र बेसाब्रत का केंद्र बन गया इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था धीरे-धीरे यह एरिया बेसाब्रत का अड्डा बन गया यह दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता जिसमें खाने खुसा और संगीत से जुड़ी चीजें मिलती लेकिन रात में खुल जाते हैं और ब्रश शुरू हो जाती है। कॉम पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहां का बिजनेस काफी प्रभावित हुआ है संजय लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उष्ना शाह ने इसका विरोध भी, भी किया इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है जिसमें मनीषा कोयराला सोनाक्षी सिन्हा अदिति राव हैदर रिचा चड्ढा शर्मीन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं भारत की आज़ादी के पहले की बात है लाहौर में तंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज़ पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेज़ों का राज खत्म हो जाएगा कानून के लागू होने की तारीख थी एक अप्रैल ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी किराया पाँच रुपये होगा मंगू जवाब देता है दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जम कर लाद घुसे जमा देता है मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक़ था लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया अभी आपने जो पढ़ा वो सादत आसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में बारहवीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया इसकी वजह यह है दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास चलिए जानते हैं हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आती थी लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था आज यह नाम कुछ कलिक ओढ़ चुका है लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था शायरी संगीत नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तौाइफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ के तौफे राजकीय खजाने में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया करती थी भारत की तवयफों की कहानी अपने आप में काफ़ी लंबी है लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं एकदम शुरू सुरु से शुरुआत करें तो साल पंद्रह की बात है मुग़ल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए पंद्रह तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे अकबर ने लाहौर किले के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया चूँकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया धीरे धीरे इस इलाके में तयफों का आना हुआ इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जे बहलाना नृत्य के इस तरीक़ों को मुजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे त्वों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज़ और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे मुगल काल में तवयफों और शाही मोहल्लों की यान बरकरार रही लेकिन अठारहवीं शताब्दी में शान शौकत उजड़ गई पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया फिर अहमद शाह अब्दाली ने दोनों की मंजिल दिल्ली ले थी लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था सो वो भी बच ना सका उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई खानदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद साहेदा अर्थात जो खाया पिया वही अपना है बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार बेसशालय बने पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने बेसालों में भर्ती कर देते थे इस दौरान तोइफों का काम लगभग बंद हो गया ध्यान दीजिए तब व्यस्य होना और तौायब होना दो अलग अलग बातें थीं अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तौायफों की संस्कृत एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने तवयफ से शादी कर ली जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई असल में कोड़े मारे नहीं गए खैर एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी बस इश्क हुआ था महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे हीरा सिंह डोगरा महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की तवाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों न यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाले त्वैफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था लेकिन फिर दो अग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया अंग्रेज माल उगाने आए थे सो वो काहे को तवायफों को भत्ता देते धीरे धीरे शहर में एक बार फिर बेस्यालय खुल गए तवयफे रोजी रोटी की खातिर जिसम फरोसी को मजबूर हो गई थी सो अंग्रेज़ सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था सबसे ज्यादा तवयफें यहाँ रहती थी 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला सो अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा अंतर बस इतना आया कि मजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे बीसवीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था नूरजहाँ और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी सर गंगाराम जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है उनका घर भी यहीं था उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल 1940 के दशक में यहाँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी दंगल का नतीजा क्या रहा दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे कोई हार मानने को तैयार नहीं था बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया जीत की यह खुशी हालांकि ज़्यादा दिन कायम ना रही उन्नीस में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी सो so, हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत ना रही इसके बावजूद तौायफों का कल्चर कुछ तीन दशकों तक कायम रहा लेकिन फिर उन्नीस में जिया उल तानसाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया जिया उल ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तौायफे हीरा मंडी से बेदर हो गई बाद मेंफ के पैसे की जगह ने ले ली और कभी लाहौर शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिसम फ्रोसी के कारोबार में गुम हो गया जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज़ की बात है भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ सोलह साल पहले उनके दोस्त मोइन बेग ने दिया था भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज की पेशकश कर दी जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था भंसाली के मुताबिक इस सीरीज की कहानी का आइडिया चौदह साल पहले आया था लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया हालांकि अब यह कहानी ओ पर धमाल मचाने के लिए तैयार है संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है इतना ही नहीं कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे ज़ेवरात भी पिका करते थे इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा तो आप गलत हैं सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवयफों को बसेरा दिया था मुगल काल के दौरान अफग़ानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था मुगल काल में वह संगीत नृत्य तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बसे बस तौब तो खानों को उजाड़ा जाने लगा इसके बाद धीरे धीरे यहाँ बेस्याव्रत पर लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई थी लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली नाइन्टीज़ की दशक के बाद हीरा मंडी की न्यूज़ से ईटे दरक्ति ही चली गई दो में यहाँ तरुन्म सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे हेरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें भव्य सेट शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया फैंस चौक गए क्या आप जानते हैं ही हीरा मंडी की असली कहानी क्या है आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा आइए जानते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे इसके बाद उन्होंने सांवरिया गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाईं और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाजार की स्थापना की थी इसे शुरू में हीरा सिंह दी मंडी कहा जाता था यह क्षेत्र तोयब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था खासकर पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान मुगल अपने ऐसो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफ़गानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे इसके बाद इस शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा नाइनटीन में रणजीत सिंह नाम के एक बाईस वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया उन्होंने तयफों की संस्कृत और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका मिला एटीन जीरो टू में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी एटीन थर्टी नाइन में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपनी तरीके से चलाना शुरू किया अहमद साहब अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र बेस्या व्रत का केंद्र बन गया इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था धीरे धीरे यह एरिया ब्यसा वृत का अड्डा बन गया यह दिन के समय एक बाज़ार की तरह दिखता जिसमें खाने खुस्सा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती लेकिन रात में ब्यस्यालय खुल जाते हैं और बियसा शुरू हो जाती है डाउन डॉट कॉम पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहां का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है संजी लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उषना शाह ने इसका विरोध भी, भी किया इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है जिसमें मनीषा कोहराला सोनाक्षी सिन्हा अदिति राव हैदर रिचा छड्ढा शर्मिन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं भारत की आजादी के पहले की बात है लाहौर में तंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा कानून के लागू होने की तारीख थी एक अप्रैल ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी किराया पांच रुपए होगा मंगू जवाब देता है दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जम कर लाद घुसे जमा देता है मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया अभी आपने जो पढ़ा वो सादत अहसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में बारहवीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया इसकी वजह यह है दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास चलिए जानते हैं हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आती थी लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था आज ये नाम कुछ कलिख ओढ़ चुका है लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था शायरी संगीत नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको बेहद इज्जत मिलती थी ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 19वीं सदी के अंत में लखनऊ की तौफे राजकीय खजाने में सबसे ज्यादा टैक्स जमा किया करती थी भारत की तौफों की कहानी अपने आप में काफी लंबी है लेकिन फिलहाल हीरा मंडी पर चलते हैं एकदम शुरू सुरु से शुरुआत करें तो साल पंद्रह की बात है मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकर से अपना बोरा बिस्तरा समेटा और लाहौर आकर बस गए पंद्रह तक लाहौर मुगलिया सल्तनत की राजधानी रहा और इस दौरान इस शहर में कई रंग दिखे अकबर ने लाहौर किले के, के पास दरबारी अमीरों और मुलाजिमों के लिए एक रिहायशी इलाका बनवाया जल्द ही इसने मोहल्ले का रूप ले लिया क्योंकि ये शाही दरबार के नज़दीक था इसलिए इसे शाही मोहल्ला कहा गया धीरे धीरे इस इलाके में तयफों का आना हुआ इनमें से अधिकतर काबुल से लाई गई थी इनका काम था दरबार में नाच गाने का प्रोग्राम कर बादशाह का जी बहलाना नृत्य के इस तरीक़ों को मजरा कहा जाता था और नाच गाना सिखाने के लिए बाकायदा उस्ताद रखे जाते थे तौफों को वो अदा हासिल था जो अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सिखाने के लिए उनके पास भेजा करते थे मुगल काल में तवयफों और शाही मोहल्लों की ये बरकरार रही लेकिन 18वीं शताब्दी में शान शौकत उजड़ गई पहले नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया फिर अहमद शाह अब्दाली ने दोनों की मंजिल दिल्ली थी लेकिन रास्ते में लाहौर पड़ा था सो वो भी बच ना सका उस दौर में अब्दाली का आतंक इस कदर था कि कहावत प्रचलित हो गई खानदा पिंदा लाहेदा बाकी अहमद साहेदा अर्थात जो खाया पिया वही अपना है बाकी तो अब्दाली लूट कर ले जाएगा अब्दाली के हमले के दौरान ही लाहौर में पहली बार बेसल बने पहला धोबी मंडी और दूसरा मोहल्ला दारा सिकोहा में अफगान सैनिक जहां हमला करते थे वहां से औरतों को उठा ले जाते थे और उन्हें लाहौर में बने वैसालयों में भर्ती कर देते थे इस दौरान तौाइफों का काम लगभग बंद हो गया ध्यान दीजिए तब वैसा होना और तौफ होना दो अलग अलग बातें थीं अफगानों के बाद के लाहौर पर सिखों का राज कायम हुआ महाराणा रणजीत सिंह के दौर में तौाइफों की संस्कृति एक बार फिर शुरू हुई और बताया तो यहाँ तक जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह इनमें से एक के इश्क में पड़ गए थे इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन हैं एक वर्जन कहता है कि महाराजा ने आयब से शादी कर ली जिसके चलते हर मंदिर साहिब में उन्हें कोड़े मारे जाने सुनाई गई हालांकि इस पर भी मतभेद हैं और कई इतिहासकार कहते हैं कि सजा बस सुनाई गई असल में कोड़े मारे नहीं गए खैर एक दूसरा वर्जन भी है जो कहता है कि शादी नहीं हुई थी बस इश्क हुआ था महाराजा ने उसके कहने पर लाहौर में एक मस्जिद बनवाई जिसे मस्जिद ए तवायफ कहा गया और बाद में उसके लिए शाही मोहल्ले के पास एक घर भी बनवाया सिखों की फौज के एक जनरल हुआ करते थे हीरा सिंह डोगरा महाराणा रणजीत सिंह की मौत के बाद उन्होंने शाही मोहल्ले में एक बाजार की शुरुआत की त्वाइफों के इस मोहल्ले में काफ़ी भीड़ रहती थी इसलिए हीरा सिंह ने सोचा क्यों न यहाँ एक अनाज मंडी बना दी जाए यहीं से इस जगह का नाम हीरा सिंह दी मंडी पड़ गया और जो आगे जाकर शॉर्ट में हीरा मंडी हो गया सिखों के दौर में हीरा मंडी में रहने वाले त्विफों को दरबारी संरक्षण मिला हुआ था लेकिन फिर दो अग्लो सिख युद्धों में सिखों की हार हुई और लाहौर पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया अंग्रेज माल उगाने आए थे सो वो काहे को तवायफों को भत्ता देते धीरे धीरे शहर में एक बार फिर बेस्यालय खुल गए तवयफे रोजी रोटी की खातिर जिसम फरोसी को मजबूर हो गई थी सो अंग्रेज़ सैनिक उनका खूब फायदा उठाते थे हीरा मंडी का इलाका अंग्रेज छावनी से एकदम नज़दीक था सबसे ज़्यादा तवयफें यहाँ रहती थी 1860 के आसपास इस इलाके में प्लेग फैला सो अंग्रेजों ने अपनी छावनी छोड़ दी और भारत के बाहर जा बसे प्लेग के गुजरने के बाद यहाँ की हवेलियों को रईसों ने खरीद लिया और वह ताइफों को संरक्षण देने लगे जिसके चलते हीरा मंडी में नाच गाने का कल्चर बना रहा अंतर बस इतना आया कि मजरा अब हीरा मंडी में ही दिखाया जाता था जिसे देखने रईस और संभ्रांत लोग यहाँ चल कर आते थे बीसवीं सदी की शुरुआत में हीरा मंडी का बड़ा नाम हुआ करता था नूर और खुर्शीद बेगम जैसे कलाकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी सर गंगाराम जिनके नाम पर दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल बना है उनका घर भी यहीं था उस दौर में हीरा मंडी दंगल के लिए जाना जाता था कुश्ती का नहीं बल्कि संगीत का दंगल 1940 के दशक में यहां उस्ताद बड़े गुलाम अली खां और उस्ताद उम्मीद अली खां के बीच एक जबरदस्त दंगल हुआ था जिसे देखने हजारों की भीड़ पहुंची थी दंगल का नतीजा क्या रहा दोनों दिग्गज रात भर गाते रहे कोई हार मानने को तैयार नहीं था बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका गया और अंत में दोनों को विजेता घोषित कर दिया गया जीत की यह खुशी हालांकि ज़्यादा दिन कायम ना रही उन्नीस में बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से चला गया जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी जिसकी स्थापना ही धार्मिक पहचान के आधार पर हुई थी सो हीरा मंडी में पुरानी शान और शौकत ना रही इसके बावजूद तवाइफों का कल्चर कुछ तीन दशकों तक कायम रहा लेकिन फिर उन्नीस में जिया उलह तानसाह बन गए और पाकिस्तान में धर्म का फ्लेवर दोगुना हो गया जिया हक ने मुजरों पर बैन लगा दिया और तौायफे हीरा मंडी से बेदर हो गई बाद में तोयफ के पैसे की जगह व्रत ने ले ली और कभी लाहौर के शान समझा जाने वाला शाही मोहल्ला रात के अंधेरे में होने वाले जिसम फरोसी के कारोबार में गुम हो गया जहाँ तक भंसाली की इस नाम से आने वाली वेब सीरीज़ की बात है भंसाली बताते हैं कि उन्हें यह आइडिया कुछ 16 साल पहले उनके दोस्त मोइन बैग ने दिया था भंसाली तभी इस पर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर वो सांवरिया बनाने लग गए गंगूबाई बनाने के बाद उन्हें फिर इस स्क्रिप्ट की याद आई और उन्होंने नेटफ्लिक्स को कहानी सुनाई भंसाली फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर नेटफ्लिक्स को एक कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने सीरीज़ की पेशकश कर दी जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज़ हीरा मंडी बना रहे हैं और हाल ही में इसका पोस्टर जारी हुआ था भंसाली के मुताबिक इस सीरीज़ की कहानी का आइडिया चौदह साल पहले आया था लेकिन उस समय उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया हालांकि अब यह कहानी ओ पर धमाल मचाने के लिए तैयार है संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म पाकिस्तान की रेड लाइट हीरा मंडी पर होगी लाहौर के रेड लाइट एरिया को शाही मोहल्ला भी कहा जाता है ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है हीरा मंडी का इतिहास आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये कहानी जो संजय लीला भंसाली लेकर आ रहे हैं वो भारत की नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है हीरा मंडी कोई काल्पनिक नाम नहीं है बल्कि पाकिस्तान स्थित लाहौर का रेड लाइट एरिया है इतना ही नहीं कहा जाता है कि इस मंडी में कभी हीरे ज़ेवरात भी पिका करते थे इसलिए इसे हीरा मंडी कहा जाने लगा तो आप गलत हैं सिख महाराज रणजीत सिंह के मंत्री हीरा सिंह के नाम पर इस इलाके के नाम हीरा मंडी रखा गया था यहाँ पर हीरा सिंह ने पहले अनाज मंडी का निर्माण कराया था और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर तवायफों को बसेरा दिया था मुगल काल के दौरान अफग़ानिस्तान और उजबेकिस्तान जैसी जगहों से महिलाओं को इस मोहल्ले में लाया जाता था मुगल काल में वह संगीत नृत्य तहजीब और कला से जुड़ी हुई थी विदेशियों के आक्रमण के दौरान शाही मोहल्ले में बस तौब तो खानों को उजाड़ा जाने लगा इसके बाद धीरे धीरे यहाँ बेस्याव्रत पर लगी और अब वो वक्त भी आ चुका है जब किन्नरों का डांस देखा जाता है हालांकि 1947 के बाद सरकार ने इलाके में आने वाले ग्राहकों के लिए कई सुविधाएँ मुहैया कराई थी लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली नाइन्टीज़ की दशक के बाद हीरा मंडी की न्यूज से ईटें दरकती ही चली गई 2010 में यहां तरुन्म सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया और जो बचा कुचा बिजनेस था वो पूरी तरह से ठप हो गया वही माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली की कहानी बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे हेरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिक कल्चर पर ही फोकस होगा बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी से बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं जिनमें भव्य सेट शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है इस बीच संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटी स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार्स से भरे शो का पहला लुक दिखाया फैंस चौक गए क्या आप जानते हैं ही हीरा मंडी की असली कहानी क्या है आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा आइए जानते हैं अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है तो यह एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और यह पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल से भी पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था हालांकि भंसाली यह प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि उस समय शाहरुख खान अश्वर्य राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे इसके बाद उन्होंने सांवरिया गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्में बनाईं और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी इसी के बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था उन्होंने भी नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाज़ार की स्थापना की थी इसे शुरू में हीरा सिंहदी मंडी कहा जाता था यह क्षेत्र तोयब संस्कृत के लिए भी जाना जाता था खासकर पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी के मुगल काल के दौरान मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे इसके बाद इस शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा 1999 में रणजीत सिंह नाम के एक बाईस वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया उन्होंने तौायफों की संस्कृत और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया एक बार फिर शाही मोहल्ले की तौायफों को शाही दरबार में मौका मिला एटीन में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तौायब से प्यार हो गया जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना दी 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपनी तरीके से चलाना शुरू किया अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद यह क्षेत्र वेसा व्रत का केंद्र बन गया इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था धीरे धीरे यह एरिया व्यवसा व्रत का अड्डा बन गया यह दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता जिसमें खाने खुदा और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती लेकिन रात में ब्यस्यालय खुल जाते हैं और बियस्य ब्रश शुरू हो जाती है डाउन डॉट कॉम पर 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्सकॉट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहां का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है संजी लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तानी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उषना शाह ने इसका विरोध भी, भी किया इस बीच शो की ऑफिशियल स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतजार है जिसमें मनीषा कोहराला सोनाक्षी सिन्हा अदिति राव हैदर रिचा छड्ढा शर्मिन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं भारत की आजादी के पहले की बात है लाहौर में तंगा चलाने वाली मंगू कोचवान को एक रोज पता चलता है कि भारत में नया कानून आने वाला है जिससे अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा कानून के लागू होने की तारीख थी एक अप्रैल ठीक उसी दिन एक गोरा आदमी मंगू के तांगे को रोकता है मंगू उससे पूछता है साहिब बहादुर कहाँ जाना मांगता गोरा अंग्रेज जवाब देता है हीरा मंडी किराया पाँच रुपये होगा मंगू जवाब देता है दोनों के बीच किराए को लेकर झड़प शुरू होती है और देखते देखते मंगू उसे जम कर लाद घुसे जमा देता है मंगू के अनुसार उस दिन नया कानून लागू हो गया था इसलिए वाजिब किराया मांगना उसका हक था लेकिन फिर कुछ देर में पुलिस वाले आए और मंगू को जेल में ठूस दिया गया अभी आपने जो पढ़ा वो सादत अहसन मंटो की एक कहानी नया कानून का मजमून है आगे जाकर इस कहानी को पाकिस्तान में बारहवीं के छात्रों के सिलेबस में जोड़ा गया सिर्फ एक छोटे से अंतर के साथ कहानी में जहां मंगू हीरा मंडी कहता है उसमें से हीरा हटा दिया गया इसकी वजह यह है दरअसल हीरा मंडी को लाहौर रेड लाइट एरिया है क्या है इस हीरा मंडी का इतिहास चलिए जानते हैं हीरा मंडी यानी हीरो का बाजार कभी लाहौर की इन गलियों में दाखिल होने वाले हर शख्स को हवेलियों से घुंघरू की आवाज आती थी लगता था मानो पूरा शहर ही ढोलक के थप थप पर थिरक रहा हो नाच गाना पेश करने वाली इन लड़कियों को तवायफ कहा जाता था आज ये नाम कुछ कलिक ओढ़ चुका है लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था शायरी संगीत नृत्य और गायन जैसी कलाओं में तवायफों को महारत हासिल होती थी और एक कलाकार के तौर पर उनको